हेलो सर, तो खुश तो होना सब लोग। तो आज हम बनाएंगे लीनियर ग्रेडियंट एनिमेशन। या ठीक है, तो आपको दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली अपने आप ही। और ये आप यहाँ पे आप कोई भी कलर लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। और ये टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा फास्ट कर रखा है ताकि थोड़ा जल्दी दिखे, लेकिन वैसे नॉर्मली लोग बहुत स्लो करते हैं, वैसे स्लो करना भी चाहिए, क्योंकि जितना स्लो वो चेंज होगा उतना ही अच्छा लगेगा दिखने में। तो मैं बताऊँगा कैसे स्लो करेंगे, ठीक है। और एक दूसरा डिज़ाइन भी है, लेकिन उसमें वो ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसमें थोड़ी कंडीशन है, वो भी बताता हूँ। फिलहाल मैं दूसरा डिज़ाइन दिखाता हूँ, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये है दूसरा डिज़ाइन, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। और ठीक है, इसमें भी आप स्लो स्लो कर सकते हैं, स्पीड जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये भी आपके ऊपर है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें कलर जो कंडीशन है वो सिर्फ आप कलर चूज़ करेंगे अपना कोई भी एक सिंपल सा, उसके बाद वो कलर अपने अकॉर्डिंगली लेगा। और जो दूसरा वाला था जो मैंने पहले दिखाया था, उसमें आप खुद के कलर दे सकते हैं जितने मर्जी उतने, लेकिन इसमें आपको एक कलर चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ये कलर ऑटोमेटिकली खुद से चूज़ करेगा। तो ये वाला ज़्यादा सिंपल है, वो वाला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा इससे ज़्यादा टफ है, लेकिन ये सिंपल ज़्यादा है। और वो भी तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा यूज़ कर सकते हैं, मैं दोनों दिखाऊंगा आपको, बहुत सिंपल सा है। और अगले वीडियो में अगर आप चाहें तो मैं टेक्स्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे, तो मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ उन दोनों को। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तब हम विजुअल स्टूडियो में आ गए हैं, और मैं अपने कोड को ऐसे ही सामने रखूंगा ताकि आपको ये फुल स्क्रीन पे दिखे, क्योंकि ये फुल स्क्रीन पे दिखेगा तभी ये दिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं ले रखा, मेरी सीएस की फाइल लिंक हुई पड़ी है, और मैंने अपने सीएस का कोड जो है वो डिलीट कर दिया है, आप देख सकते हैं कुछ नहीं है यहाँ पे। और मैं सेव करके ये सिंपल सा ऐसा दिख रहा है, सीएस की फाइल लिंक है, ठीक है। लीनियर डैश जी नाम से, लीनियर ग्रेडियंट इसको फुल फॉर्म है। और एक डिव लिया जिसको कंटेनर क्लास नाम का, मतलब कंटेनर नाम का क्लास दिया है, उसके अंदर एक H1 टैग लिया है जो कि ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। हम चलते हैं अपने सीएस में। तो मैं ये जो मार्जिन पैडिंग होता है वो उसको डिलीट कर दूंगा, और इस टेक्स्ट को मैं सेंटर में लाऊंगा, ठीक है। और उससे पहले चीज़ बता दूं कि जब भी आप ऐसे बैकग्राउंड को आपने दिखाओगे, बैकग्राउंड में हमने एनिमेशन दिया ना, तो कभी बॉडी पे एनिमेशन मत दीजिए, एक अलग से एक डिप बना लीजिए और उसको फुल ब्रेथ या हाइट देके उसके ऊपर एनिमेशन दीजिए। बॉडी पे एनिमेशन देना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आएगी, लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं है, कभी प्रॉब्लम आ भी सकती है अगर बड़ी वेबसाइट हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन पैडिंग डिलीट कर दूंगा, पहले स्टार लिखूंगा, इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आपने बहुत सारी वीडियो में मैंने देख लिया होगा। ठीक है, आ चुका है यहाँ पे, और मैं H1 को स्टाइल कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज 6VW, ये देखिए बड़ा हो चुका है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, फॉन्ट फैमिली MONT, अमाउंट 68, ठीक है। लेटर स्पेसिंग कर लेता हूँ 5 पिक्सल, और कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और वाइट करने पे जो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। ये वाइट वाइट मर्ज हो चुका है, ठीक है। अब इतना आपको यहाँ पे टेक्स्ट है आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो अब जो मेन काम है हमारा है कंटेनर पे, हम जो कंटेनर देंगे, फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं इसको पिंक कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट ये है और कलर ये है। तो अब हमें जो उस कलर जो हमने ग्रेडियंट कलर दिया था, तो आपको पता है ग्रेडियंट कलर हम कैसे देते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा BG इमेज यानी बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा ताकि वो हमें एक पूरी लाइन में दिख सके। तो यहाँ पे दूंगा मैं लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप मिनिमम दो कलर लेता, तो मैं रेड देख के देखता हूँ और ब्लू देख के देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, हमने काम ये हमारा काम कर रहा है। और हमने ये बैक पिंक इसलिए दिया है, अगर किसी कंडीशन में अगर ये लीनियर ग्रेडियंट हमारा काम ना करा तो जो डिफ़ॉल्ट कलर होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ तो आप देखते हैं ये कलर आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये कलर भी ना होता तो व्हाइट कलर आता, और हमारा टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर का तो वो मर्ज हो जाता, और ऐसा लगता है वेबसाइट में कुछ लिखा ही नहीं है। तो ठीक है, हमेशा डिफ़ॉल्ट कलर रखना चाहिए जब भी आप ऐसे करें, ठीक है। यानी बहुत सारे कलर करें उसके पीछे एक डिफ़ॉल्ट कलर रखिए। सेव करता हूँ, और आपको कलर चूज़ करना है तो मैं वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ से आप कलर ले सकते हो। तो फ्लैट UI कलर्स करके एक वेबसाइट है, तो यहाँ चलेंगे हम, खुल गया भाई।
तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे कलर्स हैं। तो मैं फ़िलहाल ये कलर ले, यहाँ से ये पैटर्न ले लेता हूँ और यहाँ से कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कलर, इसके ऊपर आपको बस कॉपी करना होगा। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ इस पर, तो कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ऑल कलर ले लेता हूँ मैं इसको दो। यहाँ सब जितने कलर आपको अपने स्क्रीन पे दिखाने हैं उतने कलर आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, या फिर आप खुद से कलर बनाइए, मतलब कहीं से भी आप कलर देख सकते हैं। मैं इसको अभी ये वाला ले लेता हूँ, जितने मर्जी चाहे उतने कर सकते हैं आप, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तीन लिया मैंने और एंड में चार ले लेता हूँ, कॉमा इसको भी, और एंड में ये पिंक ले लेता हूँ, ये रेड ले लेता हूँ। तो याद रहेगा में जो एंड में जो हमारा कलर है वो पिंक कलर है। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव किया तो देख सकते हैं सारे कलर हमारे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ, मतलब मैं यहाँ चलूँ तो ये देख सकते हैं इतने कलर, तो देख सकते हैं इतने सारे कलर हमारे यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। तो ये वेबसाइट आप देख सकते हैं flatuicolors.com है। मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे। अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और कंडीशन ये है कि, मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, और ये कलर जो है तो आपको यहाँ पे मैं डिग्री दे दूंगा, आप कितने डिग्री इसको टर्न करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ डिग्री नहीं, फिलहाल मैं टॉप टू, मतलब राइट देता हूँ, टू जी एस टी राइट। इसका मतलब ये है कि राइट से लेफ्ट की तरफ कलर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो येल्लो इस तरफ है, रेड इस तरफ है। ठीक है, तो उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे 45 डिग्री लिखिए, कितना भी डिग्री लिखिए आप, उस हिसाब से कलर आपसे चेंज हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल मैं इसको वैसे कर देता हूँ जैसा पहला था। ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ से इस तरफ। अब आपको ये है कि आप कैसे बनाएं उस चीज़ को। ठीक है, उसके लिए अपने देखो कलर एक, मतलब इधर से इधर को जा रहे थे, उसके लिए क्या करेंगे, जो आपको जो विजिबल स्क्रीन है ना, जो दिखना जितना आपको दिख रहा है उस पर आपको सिर्फ एक सिंगल कलर दिखाना है, यानी जो येल्लो कलर है उसको आपको इस पूरे स्क्रीन पे दिखाना है ताकि वो शुरुआत में एक सिंगल कलर लगे। ठीक है, और बाकी कलर को हमें हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बीजी साइज, यानी बैकग्राउंड साइज, और जो बैकग्राउंड साइज है वो नॉर्मल है 100%, 100% हमारा नॉर्मल ऐसा दिखेगा। और इसको हम चेंज कैसे करें, अगर आप यहाँ से बढ़ा देंगे 200% तो आप देख सकते हैं ये बढ़ चुका है और बाकी के जो आधे कलर है वो गायब हो चुके हैं, यानी शिफ्ट हो चुके हैं उस तरफ को। तो यहाँ पर आप बढ़ा के देखिए सिंगल कलर कौन से परसेंट पर आता है, 500 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग आ ही रहा है। तो हम इतने रहने देते हैं, अगर आपको सिर्फ येलो ही दिखाना तो आप इतना भी कर सकते हैं, 700, 500, 600 कितना भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल 500 रहने देता हूँ या फिर 600 कर देते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं 500 रहने देता हूँ, तो इतना भी सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कलर तो आ ही रहा है, तो मैं सेव करूँ या फिर मैं 6 ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देख सकते हैं फिर भी ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये ठीक है नॉर्मल। अब जो हमारा ये है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेफ्ट, जैसे मैं लेफ्ट लिखूंगा आप देख सकते हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ, ये लेफ्ट से राइट की तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर राइट, तो जीएसटी का मतलब ये है जिस जो से साइड हम लिखेंगे उस साइड का कलर हमें दिखेगा। जैसे मैंने राइट लिखा तो ये राइट साइड का कलर हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कलर भी आ रहा है, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो कलर हमें दिख रहे हैं, थोड़ा सा ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना हमने किया, तो हम यहाँ पर लेफ्ट रहने देंगे क्योंकि हमें लेफ्ट से राइट की तरफ दिखाना है। अब आपकी मर्जी है, आप राइट से लेफ्ट दिखाइए, लेफ्ट से राइट। तो मैं लिखूंगा एनिमेशन, लूँगा मैं यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे लिखूंगा एनिमेशन का नाम एनिमेट। ठीक है, और 5 सेकंड करता हूँ फिलहाल ताकि जल्दी जल्दी दिखे, और लीनियर दूंगा मैं यहाँ पे, आप कुछ भी दे सकते हैं, और मैं दूंगा इन्फिनिट ताकि वो हमेशा दिखे। और एक और प्रॉपर्टी है, वो हम बाद में दिखूंगा क्या है वो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है इस कंडीशन पे और आपकी मर्जी है। मैं लिखूंगा मैं एनिमेशन एट द रेट की फ्रेम, एनिमेशन का नाम एनिमेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जो 0% पे, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ठीक है, और मैं चेंज करना 100% पे, यानी कि जब वो फिनिशिंग पॉइंट पर होगा अपने 100% पे, तब वो कैसा दिखेगा हमें। ठीक है, उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 100%, सीधे 100% लिखूंगा, आपको 0% लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, अगर आप 0% लिखते हैं तो आपको सेम प्रॉपर्टीज दोबारा से लिखनी पड़ेगी, उसके बाद 100% पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो बस हमें चेंज ही करना है, तो हम डायरेक्ट 100% लेंगे, और आपको यहाँ दिखाना मैंने दिया है बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड पोजीशन राइट, RIGHT राइट, और मैं सेव करूँगा।
तो आप देख सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान दे रहा है, जैसे ये राइट पे एंड पे गया, फिर से ये वापस जंप कर गया येलो पे, ठीक है। अब देखना, जैसे ये आया फिर से अचानक से जंप कर रहा है, तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। वो किसी छोटी सिचुएशन पर अच्छा लगता है, अगर टेक्स्ट बहुत ही छोटा हो, टेक्स्ट के ऊपर हम करें फिलिंग, क्या करेंगे हम, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, यहाँ पे मैं लिखूँगा ALTERNATE, अल्टरनेट। इसका मतलब ये है, जैसे मैं सेव करूँगा, इसे मैंने सेव कर दिया इसे, तो आप देख सकते हैं जैसे ये एंड पे जाएगा, जैसे ये एंड पे आया, उसके बाद ही यहीं से वापस एनिमेशन शुरू होगा इस तरफ को, यानी जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से दोबारा शुरू होगा, जंप जंप होके सीधा स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंटरनेट लगाया, ये थोड़ा अच्छा दिखता है। अगर मैं यहाँ पे अब आप यहाँ पे टाइमिंग बहुत स्लो कर सकते हैं, यानी 40 सेकेंड कीजिए अब, तो इतना स्लो होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, सेव हुआ, बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम यार, आप देख सकते हैं एकदम स्लोली स्लोली हो रहा है, और ये इस तरफ से आ रहा है। अब आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर दीजिए 45 डिग्री, मैं सेव करूँगा, तो देख सकते हैं आप ये इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही, एक हमारी एनिमेशन नहीं हो गई, मैंने 40 सेकंड किया है। तो वह आप जो दूसरा ट्रिक है वो ये है, उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ये ना ये चाहिए, मैं सेव करूँ, ना आपको ये चाहिए, मैंने बताया था ना वो बहुत सिंपल है, ना आपको ये चाहिए, ठीक है, और आपको ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको बस बैकग्राउंड कलर चाहिए कोई सा भी, पिंक, मैंने बस पिंक दे रखा है, कोई सा भी रैंडम कलर आप दे सकते हैं, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी। तो फिलहाल ये पिंक है तो पिंक रहने देते हैं। और एनिमेशन एनिमेशन आपको देना पड़ेगा, सेम एनिमेशन रहेगा, आप बस टाइम कम कर दीजिए यहाँ पे, 5 सेकंड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको जल्दी से दिखे। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक ऑप्शन है फिल्टर, और यहाँ लिखूंगा मैं ह्यू रोटेट, ठीक है। मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे आपने अपने चॉइसेस के कलर दिए थे कुछ भी, तो वही कलर स्क्रीन पे दिख रहे थे, और यहाँ पे आपने सिर्फ एक सिंगल कलर दिया अपनी चॉइस का, उसके बाद ही अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से लेगा। तो ह्यू रोटेशन में आप डिग्री देते हैं, कितनी डिग्री पे आपको कलर शिफ्ट कराना है, तो मैं यहाँ दूंगा 360 डिग्री, यानी 0 से लेकर 360 डिग्री तक, इस कलर के जितने भी वेरियंट हो सकते हैं, जितने भी बार वो चेंज होगा वो दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, देखिए, ठीक है। और इसको आप स्लो कर देंगे यहाँ पे टाइमिंग्स, तो और भी ब्यूटीफुल दिखेगा, मुझे उससे ज़्यादा तो ये अच्छा लगता है। लेकिन वो लोगों को बहुत, ये शायद ही किसी ने कहीं पे दिखाया होगा, ये मैंने आज ही देखा था कि ये भी हो सकता है, तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। क्योंकि सिंगल कलर मैंने शायद कहीं नहीं देखा था, तो मैंने सोचा सिंगल कलर करके देखूँ, जब मैं ये बना रहा था तो मुझे ये आइडिया आया, और वरना लोग ग्रेडियंट ही देखते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए येल्लो, तो येल्लो से रिलेटेड जो कलर हो सकते हैं 360 डिग्री तक वो आएंगे, सेव करूँ तो देख सकते हैं फिर, ठीक है। अगर आप इसको स्लो कर देंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप 30 सेकेंड कर दीजिए, देखिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही जो कलर ट्रांजिशन है, अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर लाऊं, तो आप टेक्स्ट के ग्रेडियंट कलर भी आप टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं, और सिंपल कलर भी आप टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं, और सेम एनिमेशन बना सकते हैं। आपको सिंपल कलर तो लगाना आता होगा, अगर आप चाहते हैं कि ग्रेडियंट कलर या फिर कोई फोटो, आप टेक्स्ट के ऊपर फोटो भी लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट के ऊपर वीडियो भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट के ऊपर कलर चेंजिंग वीडियो बनाऊं, या टेक्स्ट के ऊपर फोटो लगा के या फिर वीडियो लगा के बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और नहीं कहेंगे तो भी बनाऊंगा यार, अपना ही चैनल है, बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तो कोई ना कोई तो देखेगा ही, किसी ना किसी को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तो बहुत वीडियोस मुझे नहीं मिलते थे। तो मैं चाहता हूँ जितना मैंने जितना मुझे किसी भी कंडीशन में आता हो वो मैं सब डाल दूँ, ताकि कभी ना कभी कोई सर्च करे तो उसको कहीं ना कहीं से मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा, थैंक यू।